राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है राकेश और मैं आपको सादा ही गांव का सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं, जहां कि हमारे ये ट्रैक्टर थे इनके बारे में आपको बता नहीं सका, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला ट्रैक्टर है जो कि है ड्यूस फॉर मॉडल। इस मॉडल के बारे में बात करें तो 2010 का मॉडल है ये। आप ट्रैक्टर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में, जो कि है पावर स्टेयरिंग में इस ट्रैक्टर है। और इसके इंजन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इंजन भी, और इसके पीछे के टायर भी देख सकते हैं आप, जो कि थोड़ी 15% लग रहे हैं शायद मुझे। तो किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप ट्रैक्टर का बैक साइड भी देख सकते हो जो कि आपको इसके साथ में टॉपलिंग मिलेगा, ट्रैक्टर के साथ जो लगाने का चीज़ रहती वो सब कुछ मिलेगा। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 2,50,000 इसकी प्राइस है। अगर मेरे किसी भी किसान भाई को ख़रीदना है ट्रैक्टर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दे दूंगा, तो आप वहां जाकर डीलर साहब से बात कर सकते हैं। और हमारा आज का दूसरा ट्रैक्टर है जो कि आइसर 485, और इसके मॉडल के बारे में बात करें तो 2012 मॉडल है। और ट्रैक्टर का इंजन देख सकते हो आप, टायर देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया इंजन ट्रैक्टर का, और टायर भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर के टायर भी, जो कि मिट्टी लगी हुई है टायरों पे, और ट्रैक्टर का सीट भी काफ़ी अच्छा। और इसकी प्राइस के बारे में बात, इसकी प्राइस है 3,30,000। आप देख सकते हो टायर, शायद इस नहीं है। और ट्रैक्टर के पीछे की बैक साइड भी आप देख सकते हो, ये टायर भी देख सकते हो आप, ट्रैक्टर का बैक साइड देख लो आप। ये जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में, जो कि सादा तालुका है उस गांव में। और किसी भी किसान भाई को ट्रैक्टर ख़रीदना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, डीलर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा और एड्रेस भी दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके ट्रैक्टर खरीद सकते हो। और हमारा आज का सेकंड ट्रैक्टर है जो है कि ये सेकंड ट्रैक्टर है हमारा न्यू हॉलैंड सुपर। आप देख सकते हो ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड सुपर 3630। ये इसका मॉडल जो है 2018 का मॉडल है। आप टायर देख सकते हो नवे टायर, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर, कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया। और ये टायर पीछे भी टायर देख सकते हो आप, पीछे के टायर शायद से रिमान करे हुए लगते हैं मुझे। आप ट्रैक्टर की कंडीशन देखो, काफ़ी अच्छा, सीट बीट भी बहुत बढ़िया, और साइड गियर ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर का बैक साइड भी देख लेते हैं हम। और किसान भाइयों, इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है 5,25,000।
काफ़ी अच्छी कंडीशन में ट्रैक्टर। और ये जो ट्रैक्टर है ये पावर स्टीयरिंग में है, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर, आप देख सकते हो ट्रैक्टर। इसकी जो प्राइस है मैं फिर से बोलता हूँ आपको, 5,25,000 के आसपास ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। जिसी भी किसान भाई को ख़रीदना हो ट्रैक्टर तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा डीलर साहब का। किसान भाइयों हमारा अगला ट्रैक्टर है जो कि महिंद्रा 595 DI। इसके मॉडल के बारे में बात करें तो 2005 का मॉडल है और आप देख सकते हो टायर भी इसके अच्छे और इसके इंजन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे और इसके बैक टायर भी काफ़ी अच्छे। और किसान भाइयों बैक साइड में आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह जाने के लिए जगह ही नहीं है। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस है 2,50,000, 2,50,000 इसकी प्राइस है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों की ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी अच्छा पेंट किया हुआ है। इसकी बैटरी नहीं है लेकिन आपको लगवा के मिल जाएगी बैटरी। हाँ तो किसान भाइयों हमारा अगला ट्रैक्टर है सोनालिका DI-60 RX MM सुपर। इसका जो मॉडल है ये आपको 2016 का मिल जाएगा और आपके टायर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा टायर और ये पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और इंजन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा इंजन भी लग रहा है और टायर भी काफ़ी अच्छे। आप सीट के बारे में देखो, साइड गियर और इसके साथ में आपको छतरी भी मिलेगी, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर। और किसान भाइयों हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो 4,25,000 इसकी प्राइस है। आप देख सकते हो ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन में, बहुत आगे के टायर भी काफ़ी अच्छे जो कि बड़े साइज के टायर हैं और पीछे के टायर देख सकते हो आप। और हम ट्रैक्टर की बैक साइड भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी बैक साइड। यहाँ पे आप लगाकर जो इम्प्लीमेंट होता है अपना जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है यहाँ पे आप लगा सकते हो। इस ट्रैक्टर के साथ में ही सब कुछ। हाँ तो किसान भाइयों हमने आज देखा ये जो ट्रैक्टर थे इनके बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना।